हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में 15 शहरों में मेट्रो जो है सक्रिय रूप से संचालित है, और बिहार का पटना में यानी कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट भी काफ़ी रफ्तार में काम चल रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही आपको एक बहुत बड़ा कानपुर मेट्रो का, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको लेके आया हूँ फ्रेंड। तो बताने से पहले आगे बढ़ो, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कीजिए, और ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि कानपुर मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन का काम जो है वो भी बहुत स्पीड से पूरा किया जा रहा है। अब सेंट्रल सेक्शन से नयागंज तक मेट्रो की टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को इसके लिए टनल बोरिंग मशीन TBM के फ्रंट शील्ड को सेंट्रल स्टेशन से नीचे उतार दिया गया है। कानपुर सेंट्रल से नयागंज का लगभग 1250 मीटर तक टनल का निर्माण किया जाएगा। कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर निर्मित लंचिंग शॉफ्ट से कुछ दिनों के अंतर पर कुल 2 TBM लंच की जाएंगी। और आपको मैं बता दूं कि चार TBM लंच की जाएगी फ्रेंड। तो 2 TBM नाना और तात्या पहले से ही 4 किलोमीटर लंबे नाना और तात्या जो है फ्रेंड, ये TBM मशीन का नाम है, और मैं पहले से ही 4 किलोमीटर लंबे चुनीगंज नयागंज भूमिगत सेक्शन पर टनल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगभग 4.65 किलोमीटर लंबे कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत सेक्शन में 2 नए TBM को लंच होने के साथ साथ कॉरिडोर 1 IIT और नौवस्ता में टनल निर्माण में लगे TBM को कुल संख्या 4 हो जाएगी। यानी कि 2 TBM चुनीगंज नयागंज सेक्शन के लिए और 2 कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर सेक्शन निर्माण के लिए करेगी। और मैं बता दूं कि ये 25 मीटर नीचे उतारी गई है TBM। कानपुर सेंट्रल में TBM के पहले हिस्से को उतारने की प्रक्रिया आज लगभग 120 टन वजनी फ्रंट शील्ड को लंचिंग सॉफ्ट के नीचे उतारने के लिए साथ शुरू। इस शील्ड के सॉफ्ट के अंदर जो क्रेडल पर रखा जाएगा, और इसके बाद आने वाले दिनों में TBM के अन्य हिस्से जैसे मिडिल शील्ड, टेल शील्ड और कटर हेड को भी गोल सॉफ्ट के अंदर उतारा जाएगा। कानपुर सेंट्रल में निर्मित लंचिंग सॉफ्ट की लंबाई लगभग 21 मीटर, चौड़ा लगभग 25 मीटर, गहराई और लगभग 18 मीटर जो है आपको चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही आपको मेट्रो की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मैं हर अपडेट पर नज़र है। ऐसे ही चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपको किस प्रकार की अपडेट की जाए। फिर मिलेंगे।